ईश्वर ने हर इंसान को दो आंखें, दो कान, दो नासिका, हर इंद्रिया दो दो दी है, पर जीभ एक ही दी, इसका क्या कारण रहा होंगे? इस कहानी में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एक मछलीमार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा हुआ था। काफी समय हो गया पर फिर भी उसके कांटे में कोई मछली नहीं फंसी और नहीं कोई हलचल हुई। वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, जहां कोई मछली ही न हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियां थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब यह नजारा देखा तो उसने मछलीमार से कहा, लगता है भैया आप यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए बहुत दिनों बाद आए हैं। भैया क्या आपको नहीं पता कि अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती? मछलीमार ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस तालाब में? राहगीर ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले ही इस तालाब के किनारे एक संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब वे प्रवचन देते थे तब इस तालाब की सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती थी। उस राहगीर ने आगे कहा, ये उनके प्रवचन का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती है। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी और जगह पर जाकर कांटा डालो। ईश्वर ने हर इंसान को दो आंखें, दो कान, दो नासिका, हर इंद्रिया दो दो दी है, पर जीभ एक ही दी, इसका क्या कारण रहा होंगे? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इंद्रिया पर संयम करना चाहते हो तो इस जीभ पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रिया स्वयं नियंत्रित रहेगी। ये बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोल से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, उसका समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखे तो बहुत सी समस्याएं का कारण ज्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। ईश्वर कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हमारी मीठी वाणी से बिगड़ते काम भी बन जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर गुणों से भरपूर होता है उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। विनम्रता पूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को ऊंचा बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। कई बार न बोलना भी उचित होता है।